सरकार के रोजगार की तरफ बढ़ते कदम। आईटीआई छात्रों के 31 मार्च तक बनेंगे पासपोर्ट, विदेश में कर सकेंगे स्किल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। विदेश में मिलेंगे रोजगार के नए अवसर। आईटीआई के अधिकारी युवाओं को पासपोर्ट के लिए जागरूक व सहायता। आईटीआई में पढ़ रहे हजारों विद्यार्थियों के अब 31 मार्च तक पासपोर्ट बनाए जाएंगे, जो विभाग की ओर से बनाए जाएंगे। आईटीआई विभाग के अधिकारी विद्यार्थियों को पासपोर्ट बनाने के लिए जागरूक करेंगे। इनके साथ ही आईटीआई में नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो हर सप्ताह विद्यार्थियों के पासपोर्ट बनने की रिपोर्ट विभाग व सरकार को देगा। आईटीआई में पढ़ रहे कोई भी विद्यार्थी बिना पासपोर्ट के नहीं रहेगा। विद्यार्थियों के पासपोर्ट बनाने का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को विदेशी कंपनियों की ओर से स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पर ले जाने के लिए पासपोर्ट न होने की समस्या आती है। पासपोर्ट बनने के बाद यह समस्या नहीं रहेगी। विभाग की रिपोर्ट में पता चला है कि विद्यार्थी विदेशी कंपनियों की विभिन्न स्किल में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, लेकिन विद्यार्थियों के पास पासपोर्ट व बैंक अकाउंट डॉक्यूमेंट न होने के कारण उन्हें काफ़ी परेशानी आती है। लेकिन अब आईटीआई के अधिकारी युवाओं को पासपोर्ट के लिए जागरूक व सहायता करेंगे। इसका पता नहीं था कि ये भी एक डिपार्टमेंट है ना, एनएसडी के थ्रू जो ऐसे अभी स्कीम आई है स्टूडेंट के लिए, लेकिन ये काफ़ी अच्छा लगा है। जिनके पासपोर्ट होने वो भी अप्लाई कर सके, अगर नहीं है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शन बढ़िया है, यहाँ से आईटीआई करने के बाद विदेश में नौकरी करना एक अपने लिए एक सौभाग्यशाली योजना है। लेकिन इसका ये बेनिफिट ये भी है, एक्सपीरियंस अच्छा हो, स्किल भी बढ़िया बनती है और कंट्री में नौकरी जो मिलती है वो एक ऑफिशियली और परफेक्ट जॉब होती है। कि जो मतलब कि गरीब वो जी मतलब कि विदेश जा सकते हैं, उनके लिए बहुत मतलब कि बेस्ट ऑफर है, मतलब कि आईटीआई के थ्रू जी विदेश जा सकते हैं। नो सर, अभी मुझे यहीं से पता चला है तो मैं आईटीआई से ही अप्लाई करूँगी। सर मुझे बहुत अच्छा लगा ये कि हमारी आईटीआई से पासपोर्ट बन रहे हैं, तो मैं बनवाऊँ। मेरा कहना ये है जी, मेरे को बहुत अच्छा लगा सरकार की तरफ से जो भी सरकार कर रही है हमारे लिए। और ये हमने पहली बार सुना जी कि सरकार हमें हमारे पासपोर्ट से हमें फॉरेन कंट्री के जॉब के लिए भेज रही है जी, तो ये सुन के बहुत अच्छा लगा। मेरा कहना है कि मेरा पासपोर्ट जब बन के आएगा, वैसे तो मेरा पासपोर्ट बन रहा हुआ जी, तो मेरे को वहाँ जॉब लगेगी, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, ताकि मेरी इनकम भी वहाँ बहुत बढ़िया होगी। इससे मेरा बहुत अच्छा कदम है, हरियाणा सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है। हमारे पास ग्रामीण अंचल से बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इस बारे में जानकारी नहीं हो पाती है, तो पहले तो उनका अवेयर किया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा पासपोर्ट के लिए, और उनकी सहायता की जाएगी संस्थान लेवल पे कि अधिक से अधिक बच्चों के पासपोर्ट बन पाए और विदेशों में उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी सरकार के निर्देशानुसार दिलवाई जाएगी, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, आईटीआई के अंदर जो कोर्सेज हैं हमारे, स्किल अपडेट करने की कोर्सेज होती है, यहाँ पे स्टूडेंट की स्किल डेवलप की जाती है और उसी के अनुरूप उनको इंडस्ट्रीज के अंदर नौकरियाँ मिलती हैं। तो आजकल कैंपस इंटरव्यू के लिए विदेशी कंपनियाँ भी आ रही हैं, तो उसके लिए स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन उनके पास पासपोर्ट नहीं होता। तो इसमें हमारा जो विभाग है, कौशल विभाग, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, उन्होंने ये चाहा भी हर आईटीआई के अंदर एक मोटिवेशनल कैंप चला जाए, स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए कि अपना पासपोर्ट तैयार करवा के रखें। तो उसके लिए हम सुबह मॉर्निंग असेंबलिंग होती है, तो उसमें स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं कि आप लोग अपना पासपोर्ट पहले से ही तैयार रखें, ताकि कल को कैंपस इंटरव्यू के अंदर कोई विदेशी कंपनी के अंदर आपको सिलेक्शन होती है, नौकरी मिलती है, तो उसके अंदर आपको पासपोर्ट वगैरह की कोई समस्या नहीं। तो इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसी विभाग की तरफ से डायरेक्शन जारी की गई है, तो हम स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहे हैं उसके लिए। क्या लगता है कि सर ऐसा करने से क्या कुछ इनको फायदा होने वाला है? आजकल देखो, जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर है, और मल्टीनेशनल कंपनियां भी इंडिया के अंदर बहुत आ रही हैं, तो उसमें स्टूडेंट्स अगर पासपोर्ट उनके पास होगा, कल को उनको जॉब मिलती है तो इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पासपोर्ट के लिए एक लंबी लाइन में लगना पड़ता है और उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर ऑलरेडी उनके पास पासपोर्ट है तो उनको इस तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे ही वो सिलेक्ट होते हैं वो जॉब के लिए तो जा सकते हैं। क्या लगता है अभी तक स्टूडेंट इस बारे में अवेयर नहीं है, क्या लगता है डाटा? नहीं, वैसे तो आजकल हर स्टूडेंट जागरूक है, फिर भी कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है, क्योंकि आईटीआई के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं रूरल कम्युनिटी से हैं वो इतने जागरूक नहीं है, तो उनको जागरूक करना बहुत जरूरी है। तो कितनी जिले में कितनी है जी? गवर्नमेंट आईटीआई 6 डिस्ट्रिक्ट करनाल के अंदर और 13 प्राइवेट आईटीआई। सभी में चल रहा है? हाँ, सभी में ये अभियान चलेगा। इसी तरह अभी पिछले मंथ के अंदर आईटीआई कैथल में एक जापान की कंपनी आई थी,
तो उन्होंने 60 स्टूडेंट सेलेक्ट किए और वो स्टूडेंट्स हमारे जापान गए। तो इस तरह वो कम कैथल आईटीआई में, डिस्ट्रिक्ट कैथल में, कैथल आईटीआई के अंदर। तो इस तरह वो कल को कोई कंपनी हमारे यहाँ भी आ सकती है, दूसरी आईटीआई में भी जा सकती है। तो इसलिए बच्चों को इस बारे में जागरूक करना बहुत जरूरी है।